पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, ये लोगों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। कि ये ऐसे ही हरकत है जिस तरह पुराने जमाने में मीरासी जो है वो चौधरी साहब की जो है बारात के साथ जाया करते थे। अब ये बड़ा काबिले एतराज सा लफ्ज है, लेकिन जाहिर है पुराने जमाने में मीरासी को मीरासी ही कहा जाता था और कल्चर ही ऐसा था कि उसमें चौधरी सब कुछ था, नुकताए मास्का गाँव का, और वो मीरासी फिर उनको खुश करने के लिए इधर उधर उछल कूद किया करते। साइंस और टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, असलाह की दौड़ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान इंडिया के साथ किसी तरह के किसी मुकाबले में क्या किसी तरह के किसी कहानी में ही नहीं आता। ना हमारी ज़मीन यूज़ हुई है इस मिशन के लिए, ना ही कोई हमारा उसके ऊपर फ्लैग नज़र आया है, ना ही कुछ। ये बेसिकली चाइना ने किया है, तो इन्होंने अपना मतलब नाम बना लिया है ताकि हमारा नाम आ जाए आगे, लेकिन इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सारा झूठ ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंडियंस भी, सारे लोग समझते हैं, कोई पागल तो नहीं है ना, हर किसी को पता है कि ये झूठ। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर रवाना हो गया है। पाकिस्तान चांद पर सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ, ये लोगों को बहुत बेवकूफ बनाते हैं। वो उधर फुदक रहे हैं। ओ भाई, पहले अपने जमीनी हालात ठीक करो, बात सुनो। इस सोनी धरती पे के चांद को ग्रहण लगा हुआ है। चाइनीज तो वहां जाके अपनी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नजारा करेंगे, तुम यहां किसानों का एहतजाज देखोगे, नान भाइयों के धरने देखोगे, गिरफ्तारियां देखोगे, पुलिस की वर्दियां देखोगे, रिश्वत देखोगे, अरबों खरबों जो खाया गया गंदम की इंपोर्ट में वो देखोगे। ये लोगों को झुंझुने और खिलौने देने वाली बात। और लोग कैसे हैं यहां, एक को पागल आया था फ्रॉडिया चंद साल पहले, सारा पाकिस्तान जानता है, मैं पानी से कार चला रहा हूं, वो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी बेवकूफ बन गए। उनके साथ बड़े वो प्रोग्राम करने शुरू कर दिए। यार हम अकली तौर पे बहुत मतलब छोड़ो अब कि चाइना जो है एक बहुत स्वीटर देन हनी दोस्ती, तो अगर वो जा रहा है तो उससे थोड़ा सा एक स्मार्टली हम भी अपना हिस्सा ले लें और हम कहें कि हम भी पहुंच गए, क्या इस तरह देखते हैं कि प्रेशर के तौर पर ये नहीं? ये तो अपने आप को जलील करने वाली बात है। इंडिया की ये रियल अचीवमेंट्स हैं, रियल ऑन ग्राउंड, चांद पे वो पूरी दुनिया के सामने गए, जो जो उन्होंने वहां करना था पूरी दुनिया को सामने ट्रांसमिट किया, तो उसके मुकाबले में आप एक छोटा सा खिलौना चीन के बैग में डाल के भेज दें। वो मैं देख रहा था, एक दानश्वर का कॉल था इस पे सोशल मीडिया पे कि ये ऐसे ही हरकत है जिस तरह पुराने जमाने में मीरासी जो है वो चौधरी साहब की जो है बारात के साथ जाया करते थे। अब ये बड़ा काबिले एतराज सा लफ्ज है, लेकिन जाहिर है पुराने जमाने में मीरासी को मीरासी ही कहा जाता था और कल्चर ही ऐसा था कि उसमें चौधरी सब कुछ था, नुकताए मास्का गाँव का, और वो मीरासी फिर उनको खुश करने के लिए इधर उधर उछल कूद किया करते थे। ये जो ट्रांसमीटर टाइप चीज उन्होंने बनाई है, इस पे भी बहुत लिखा गया कि ये मोस्टली जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, एक बेसिक टेक्नोलॉजी है सिंपल किस्म की, वो बनाते हैं और कैंपसेस के अंदर ये आपको आम दिखाई देते हैं, जिसमें वो सिग्नल एक दूसरे को भेजने इस तरह के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, एक सिंबॉलिक चीज है। तो वो उन्होंने भेजी और उसको भेजने के बाद आप काम को ये बताएंगे हम चांद पे चले गए। ना हमारी जमीन यूज हुई है इस मिशन के लिए, ना ही कोई हमारा उसके ऊपर फ्लैग नजर आया है, ना ही कुछ। ये बेसिकली चाइना ने किया है, तो इन्होंने अपना मतलब नाम बना लिया है ताकि हमारा नाम आ जाए आगे, लेकिन इन्होंने किया कुछ भी नहीं है। मैं तो यही कहूंगा कि ये सारा झूठ ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंडियंस भी, सारे लोग समझते हैं, कोई पागल तो नहीं है ना, हर किसी को पता है कि ये झूठ ही है। मुझे ये मिशन ही नॉन पीटीए लग रहा था। आपको पता है पीटीए चीज कोई भी हो उसके लिए टैक्स देना पड़ता है। मुझे लगता है चाइना ने पाकिस्तान से टैक्स वसूल नहीं किया, अब मिशन चाइना की मदद से पाकिस्तान ने किया है,
तो पाकिस्तान का तो कोई नामो निशान, ना कोई साइंटिस्ट जा रहा है पाकिस्तान का, ना कोई पाकिस्तान का हमें वो जो स्पेस शटल होती है उसके ऊपर, ना पाकिस्तान का हमें फ्लैग नजर आ रहा है। हमने कोई जिंदगी में ऐसा काम किया जिसमें हमने किसी की मदद ना ली हो? मुझे ये एक बता दें। सिर्फ हमने करप्शन के अलावा हर चीज़ में उनकी मदद ली है। अब आप चाइना से लॉन्च कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट के मुंह पे जी ये बातें बार बार आ रही हैं कि जी इंडिया ने चांद पे पहुंच गया, ये कर गया, वो कर गया, ऐसे कर गया, वैसे कर गया। ये सिर्फ इंडिया को ठंडा करने के लिए कि जी हमने जी हम भी चांद पे जा सकते हैं, आप अकेले नहीं जा सकते। अगर ये ऐसी गंदी हरकतें करेंगे, ऐसे झूठ बोलेंगे तो फिर लोग ऐसे ही तनकीद करेंगे। दूसरे कंट्री हमारे लिए यही पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि ये झूठे हैं, क्योंकि कोई हमने सबूत नहीं दिया। अगर ये गए हैं चांद के ऊपर तो वहाँ से भी कोई मतलब तस्वीर वगैरह नहीं आई पाकिस्तानी फ्लैग लगा के, जैसा कि इंडिया ने किया था, उन्होंने वहाँ से तस्वीरें वगैरह बनाई थी। उनके पास तो पूरे सबूत थे, हमारे पास तो कोई सबूत नहीं है, ये सब झूठ था। ये जितने भी न्यूज़ चल रही है, जितनी भी न्यूज़ है, जितना भी प्रोपोगंडा हो रहा है, ये सिर्फ आवाम को पागल बनाने के लिए हो रहा है कि भाई हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। क्योंकि आपको पता है इंडिया ने चंद्रयान वाला काम किया तो हर बंदे ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई जान ये AI से बनाया है, ये किया है। मुझे ट्रस्ट है उन लोगों पे, मुझे लगता है कि यार वो वाकई गए होंगे चांद पे। हम लोग नहीं जा सकते, हमारे पास ना रिसोर्सेज है, ना हमारे पास पैसे है, हमारा अपना मुल्क नहीं चल रहा है, इन लोगों ये लोग कैसे लेके जाएंगे चांद? आप इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं? इंडिया ने ये जो मोदी की हुकूमत आई है 300 से 400 यूनिवर्सिटियाँ उन्होंने अपने पूरे मुल्क में बनाई हैं, और हमारे मुल्क में जी वही यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो 5-6 गिनती की यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारा बच्चा मैट्रिक तक ना बस A4 A4 B4 बोल पा रहा है। हमारे 50 साल हो गए, अभी तक हमारी 8 किताबें जो सी ना वो उर्दू में है और 1 किताब हमारी इंग्लिश में है, और हम किस तरह उसका मुकाबला कर सकते हैं? उनका तो रक्षा ड्राइवर जो उनसे हमारा MA BA उनसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप आखिरी हद क्रॉस कर चुके हैं, देयर इज नथिंग लेफ्ट। एक होती है मोरालिटी, मोरालिटी होती है एक, जिसकी के पॉलिटिकल भी होती है और वो सोशल भी होती है। और आपके जो नेशन के लीडर्स हैं उनका काम होता है कि वो उसकी हदूद के अंदर रह के तो अवाम को कोई इंफॉर्मेशन दें। मसलन दुनिया में बेशुमार इतने मुल्क हैं जिनके दरवाज़ों पे आप अपना कशकोल लिए जो है वो खड़े रहते हैं, उन्होंने ना कभी चांद पे जाने का ख्वाब देखा, ना कभी इसकी ज़रूरत महसूस किया, क्योंकि उनके पास इतने वसायल हैं जो आपकी झोली बार बार भरते हैं। अगर उसी पैसे से वो चाहें तो वो चांद पे जा सकते हैं, लेकिन उन्हें जरूरत महसूस नहीं की, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ी मार का तुलारा किस्म की जो है वो अचीवमेंट नहीं होती। ये अलबत्ता शो करती है आपकी इंटेंशन को कि आप बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस किस्म के लोग हैं और आप इस ज़िंदगी में ऐसी चीज़ों के पीछे भागने के लिए तैयार हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते, और किसी भी तरीके से वो आपके हालात के साथ आपकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल जो सेटिंग है उसके साथ मेल नहीं खाते। मसलन इससे पहले भी पाकिस्तान में इस तरह की वारदात ही कहूँगा मैं इसको जो है वो होती रही है कि हमने जी फलां बम बना लिया, हमने फलां मिसाइल बना लिया। बुनियादी तौर पे चाइनीज टेक्नोलॉजी, चाइनीज जो है वो स्किल, चाइनीज जो है वो कंट्रीब्यूशन की बुनियाद पे तो आपने उसको अपना बना के पेश कर दिया। ये एक फील्ड है जिसमें ये हो रहा है, तो आप पाकिस्तान की मुझे कोई एक फील्ड दिखा लें जिसमें कि ये नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो एकेडमिया है जिसको पूरी दुनिया में नॉलेज, साइंस डेवलपमेंट, तहकीक, तफ्तीश, रिसर्च के हवाले से मुकद्दस समझा जाता है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड उसमें होता है। आप जो है वो असलाह की दौड़ में अपने आप को इस तरह पेश करते हैं जैसे आपके सबका सुपर पावर है। आप कभी जाके कोरिया से मिसाइल खरीदने की कोशिश करते हैं, कभी चीन से बम खरीदने की कोशिश करते हैं, और पोज ये करते हैं कि ये आप अपने बना रहे। आप जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी, इवन जानवर ये गाय वगैरह की डुप्लीकेट में भी मुलव्वस हैं। ये करने की पाकिस्तान को ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को ज़रूरत है जालसाजी से बाहर निकलने की, झूठ और फरेब से बाहर निकलने की। जो फरेब मसलसल जिसमें आपकी रूलिंग एलीट मुबतला है और जो आपके अवाम को फरेब मसलसल में मुबतला करने पे बाजिद है, उससे वो बाहर निकले, सच्चाई को तस्लीम करे, साइंस और टेक्नोलॉजी में, स्पेस में,
असलाह की दौड़ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पाकिस्तान इंडिया के साथ किसी तरह के किसी मुकाबले में क्या किसी तरह के किसी कहानी में ही नहीं आता। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।